हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का साइंस का टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स वन वार्मर एंड द अदर कूलर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द वार्मर ऑब्जेक्ट कूल्स डाउन एंड द कूलर वन बिकम्स अ लिटिल लेस कूलर। इसका मतलब क्या है, जब आप कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हो जिसमें एक गर्म है और एक ठंडा है, तो जब वो आपस में कांटेक्ट में आता है तो गर्म वाले का जो हीट या टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो थोड़ा ठंडा होने लगता है, और जो पहले से ठंडा है वो थोड़ा और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्यों होती है, इनमें चेंजेस क्यों आता है वो जानते हैं हम। आफ्टर सम टाइम बोथ ऑब्जेक्ट अपीयर इक्वली वार्म और कूल, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो दोनों सेम हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है, क्योंकि उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। व्हेन सच अ प्रोसेस ऑक्यर्स वी जनरली से दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। ऐसी प्रोसेस जब होती है तो हम क्या कहते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है वार्मर ऑब्जेक्ट, मतलब गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ वो ट्रांसफ़र होती है। क्या ट्रांसफ़र होती है, यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही है। क्यों, क्योंकि जब आप दो ठंडे या गर्म ऑब्जेक्ट को एक साथ रखोगे, कांटेक्ट में रखोगे, तो एक जो गर्म है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हीट ट्रांसफ़र होती है वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, इसको हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं, जिससे वार्मर ऑब्जेक्ट थोड़ा ठंडा हो जाता है और जो कूलर ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा कूलर हो जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर यानी तापमान। वी यूजली गेट एन आइडिया ऑफ कॉल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई टचिंग इट। हम कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म उसको टच करके पता लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को हाथ लगा लो, तो हर चीज़ को हम टच करके मेज़र नहीं कर सकते कि ये कॉल्ड है या हॉट है। बट हॉट एंड कॉल्ड आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे को रिलेट करती है। द सेंस ऑफ टच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड टू कंपेयर हॉटनेस और कॉल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए या उसका सेंस करने के लिए टच करना उसको एक्यूरेट मेथड नहीं होता है, क्योंकि इससे आपको चोट भी लग सकती है। ज़्यादा आप गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लोगे तो आपको चोट भी लग सकती है। तो इसको मेज़र कैसे किया जाता है टेम्परेचर को, वो देखते हैं। सच मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग हॉट एंड कॉल्ड बॉडीज। The quantity by which we compare hotness or coldness of a body is called temperature. ऐसी quantity जिससे हम hotness और coldness को compare करते हैं उसको हम temperature का नाम देते हैं। Temperature indicates the degree of hotness or coldness of a body. Temperature किसको indicate करता है, hotness कोई object hot है या cold है उसकी degree को। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो गई, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कॉल्डनेस ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या होती है, ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है, मतलब एनर्जी का ही एक रूप होता है। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लोस बिटवीन देम, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। जब आप टेम्परेचर का पता लगाते हो कि कौन सा हॉट है कौन सा कॉल्ड है, तो उनके बीच क्या होता है, एनर्जी फ्लो करती है। वो एनर्जी कौन सी होगी, हीट एनर्जी। इफ़ हीट फ्लोज आउट ऑफ अ बॉडी इट कूल्स द बॉडी, वाइल इफ इट फ्लोज इनटू अ बॉडी इट वार्म्स द बॉडी। का मतलब है कि अगर हीट कोई भी ऑब्जेक्ट की बॉडी के बाहर फ्लो कर रही है तो वो उस ऑब्जेक्ट को कूल कर देती है, ठंडा कर देती है, और अगर उसके अंदर फ्लो कर रही है तो वो उसको गर्म कर देती है। The point to note is that left to itself, it flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature and never the other way around. Heat हमेशा high temperature से low temperature की तरफ flow करती है, ये बात आपको याद रखनी है। Also,
If you bring a hot body in contact with a cold body, heat flows from the hot body into the cold one till both reach the same temperature. क्या होता है जब आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को लेते हो और एक साइड आप कॉल्ड ऑब्जेक्ट को ले रहे हो तो हीट हमेशा हॉट से कॉल्ड की तरफ जाएगी और दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होगा तब तक वो उसमें फ्लो होगी हुज वैल्यू विल बी समवेयर इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द कॉल्ड बॉडी इन अदर वर्ड्स द हॉट बॉडी लॉस हीट वाइल द कॉल्ड बॉडी गेन्स हीट इससे क्या पता चलता है कि जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है तो हॉट बॉडी क्या होती है वो अपनी हीट को लॉस कर देती है मतलब किसी और को दे देती है और कॉल्ड बॉडी के साथ क्या होता है वो हीट को गेन करती है मतलब अब्जॉर्व करती है और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है यूनिट्स ऑफ हीट हीट की यूनिट क्या होती है जस्ट एज वी मेज़र लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स जैसे हम लेंथ को मेज़र करते हैं सेंटीमीटर और मीटर में वैसे ही हीट एनर्जी को मेज़र किया जाता है कैलोरीज और जूल्स में ये इनकी यूनिट्स होती हैं कैलोरी और जूल और ऐसा ही सिस्टम में क्या होता है हीट एनर्जी इज मेज़र्ड इन जूल हीट एनर्जी को जूल में मेज़र किया जाता है और जूल का सिंबल क्या होता है कैपिटल जे It is possible to force heat energy to flow from a cold region to a hot region. To do this, we need to supply energy to the system. आप heat energy को forcefully भी flow करवा सकते हो कैसे cold region से hot region की तरफ Basically होता क्या है heat energy हमेशा high temperature से low temperature की तरफ जाती है लेकिन आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर या फिर एक्सटर्नल एनर्जी को फ्लो करवा के भी आप क्या कर सकते हो इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो मतलब उल्टा कर सकते हो कैसे कॉल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ जैसे हमारे एयर कंडीशनर एसी है रेफ्रिजरेटर है इनमें कौन सी प्रोसेस आती है ये जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटसाइड से जो फोर्स लगा रहे हैं एनर्जी का वो क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे क्या होगा जो हीट है वो फ्लो करेगी कॉल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ जैसे एसी और रेफ्रिजरेटर वगैरह में क्या होता है ये अंदर से बहुत ठंडे होते हैं जैसे एसी लगी है तो एसी क्या करती है बाहर की तरफ गर्म हवा छोड़ती है और जैसे जिस भी जगह लगी हुई है चाहे वो रूम हो ऑफिस हो उस एरिया को पूरा ठंडा कर देती है ऐसे ही फ्रीज में होता है जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें क्या होता है अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है अगर आप एक कमरे में फ्रिज को ओपन कर दोगे तो उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बढ़ जाएगा आप सोचते हो ना कि फ्रिज के सामने बैठ जाओ तो हमको ठंडा ठंडा लगता है लेकिन क्या होगा थोड़ी देर बाद में आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी फ्लो करती है नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं टेम्परेचर इज मेज़र्ड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर टेम्परेचर को जब हम मेज़र करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लाते हैं जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर थर्मोमीटर यूज सम प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच वेरीज विथ टेम्परेचर मर्करी इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड थर्मोमीटर मर्करी को यूज़ किया जाता है बहुत सारे थर्मोमीटर में क्यों क्योंकि जब आप टेम्परेचर को मेज़र करते हो तो मर्करी का यूज़ करने का मतलब क्या है एक तो वो शाइनी नेचर की होती है तो अलग से शो हो जाएगी ठीक है और क्या होता है ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बिफोर इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोस्कोप वॉज यूज टू मेज़र टेम्परेचर और थर्मोमीटर के इन्वेंशन मतलब आविष्कार से पहले क्या यूज़ किया जाता था थर्मोस्कोप यूज़ किया जाता था टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अर्लियर एल्कोहल वॉज यूज इन थर्मोमीटर्स बट लेटर डीजी फॉरेनहाइट यूज मर्करी इन प्लेस ऑफ एल्कोहल बहुत टाइम पहले मर्करी की जगह थर्मोमीटर में क्या यूज़ किया जाता था एल्कोहल लेकिन डीजी फॉरेनहाइट साइंटिस्ट थे इन्होंने एल्कोहल की जगह मर्करी यूज़ किया थर्मोमीटर में अब नेक्स्ट है कि मर्करी थर्मोमीटर का यूज़ क्यों किया गया इट इज़ शाइनी एंड सिल्वरी वाइट सो इट कैन बी सीन ईजिली फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास ये शाइनी नेचर की होती है
और सिल्वरी वाइट कलर की होती है, तो ग्लास के बाहर से उसको आसानी से हम देख सकते हैं। इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास, ये ग्लास से बाहर नहीं आती है। मरकरी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर विथ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। कैसे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 39 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसकी क्या प्रॉपर्टी है, दिस एक्सटेंशन इज़ फेयरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट कैन बी ईजिली ऑब्टेंड इन प्योर फॉर्म, और ये एक्यूरेट बताता है टेम्परेचर को कि क्या टेम्परेचर है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट्स वेयर एल्कोहल थर्मोमीटर इज सूटेबल इन एक्सट्रीमली कॉल्ड क्लाइमेट बिकॉज एल्कोहल फ्रीजेस एट 117 डिग्री सेल्सियस। मर्करी थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह हो उस एरिया में या फिर उस क्लाइमेट में मर्करी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज़ कब किया जाता है, जब जहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन हो या फिर कोल्ड क्लाइमेट हो, क्योंकि एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 117 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर हैज़ ग्रेडुएशंस मतलब मार्किंग और अ स्केल मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्रीड अपॉन यूनिवर्सली, दीज आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स, वाइल द अपर फिक्स्ड पोजिशन या पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर ऑफ एट विच वाटर बॉयल्स। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जिसको अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट कहते हैं। लोअर पॉइंट कब होता है, जब टेम्परेचर इतना हो जाए कि आइस मेल्ट हो जाए, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो कब होगा, जब वाटर बॉयल होने लगे। तो ये कुछ एक्यूरेट या फिर स्टैंडर्ड पॉइंट है जिन पर मेज़र किया जाता है टेम्परेचर को। द सॉलिड्स melt at a particular temperature called their melting points and liquid boil at a particular temperature called their boiling point. जब कोई सॉलिड ऐसे टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट आता है टेम्परेचर का जिस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आइस ऑलवेज मेल्ट्स एट अ सेम टेम्परेचर एंड वाटर ऑलवेज बॉयल्स एट द सेम टेम्परेचर। जैसे आइस मेल्ट होती है तो हमेशा उसका सेम टेम्परेचर रहेगा कि इतने टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होगी, और जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उसका भी फिक्स्ड टेम्परेचर रहता है कि इस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। टेम्परेचर को दो तरह से मेज़र किया जाता है, सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में। तो अगर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और अगर आपको पूछे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको बताना है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। और जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। द टू कॉमनली यूज्ड स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर आर द सेल्सियस स्केल एंड द फॉरेनहाइट स्केल। दो कॉमन स्केल होती हैं टेम्परेचर को मेज़र करने की, जिसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है, और फॉरेनहाइट स्केल में डिग्री फॉरेनहाइट से उनको मेज़र किया जाता है। ऑन द सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ द फॉरेनहाइट स्केल ऑन विच आइस मेल्ट्स एट 32 डिग्री फॉरेनहाइट एंड वाटर बॉयल्स एट
212 डिग्री फॉरेनहाइट। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिक वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में काम आते हैं। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जिससे हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर का नाम दिया जाता है। व्हेन समवन हैज फीवर, इट इज जनरली अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। इट हैज अ फाइन थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी रनिंग इन द मिडल इट्स इन व्हेन इट शाइन्स। आपने देखा होगा जब किसी को फीवर होता है तो उसको थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापा जाता है। तो आप थर्मामीटर को ध्यान से देखना, उसमें जो मर्करी फील होता है मिडल साइड में, वो शाइन करेगा और वो रनिंग करेगा, ऊपर नीचे होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ऊपर हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो वो नीचे की तरफ रन करेगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर के क्या यूज़ होते हैं? यूजिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर हैज अ बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी एंड अ ग्लास स्टीम विथ अ थिन हॉलो ट्यूब रनिंग विद इन इट। द ट्यूब एंड इन द बल्ब एट वन एंड एंड इज सील्ड एट द अदर एंड। व्हेन द बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विथ अ हॉट ऑब्जेक्ट, द मर्क्यूरी गेट्स हीटेड एंड राइज इन द थिन ट्यूब। ये कैसे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो बताया गया है कि जो थर्मोमीटर होता है उसमें बीच के साइड क्या होता है, जैसे आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा पिक में, उसमें क्या है, अंदर के साइड एक ग्लास स्टेम होती है, थिन एक हॉलो पाइप सी होती है, उसमें मर्क्यूरी भरा होता है। जैसे ही कोई हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है ये थर्मोमीटर, तो मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हीट मिल जाती है और वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है। नेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब, और इस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, कैपिलरी ट्यूब। द मार्किंग अप टू विच द मर्क्यूरी राइज टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ही मर्करी राइज होती है, ऊपर की तरफ फ्लो करती है, तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर क्या है ऑब्जेक्ट का। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव अ किंक इन द कैपिलरी ट्यूब। द किंक डज नॉट अलाउ द मर्क्यूरी टू फॉल एज सून एज द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ। इसमें एक किंक होती है थर्मोमीटर में, जो क्या करती है, जैसे मर्क्यूरी एकदम से ऊपर की तरफ गई, टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके मर्क्यूरी ऊपर की तरफ फ्लो हुई, तो वो धीरे धीरे नीचे आती है, इसलिए उसमें किंक लगाया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ, जब थर्मोमीटर को माउथ से बाहर निकाला जाता है। आफ्टर चेक द रीडिंग वी शुड गिव द थर्मोमीटर अ कपल ऑफ शार्प जग्स टू ब्रिंग डाउन द मर्क्यूरी कॉलम। इसका मतलब है जैसे ही हम टेम्परेचर नापते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, उस थर्मोमीटर को थोड़ा जर्क करते हैं, मतलब ऐसे झटका देते हैं उसके, ताकि टेम्परेचर सही से मेजर हो सके। नाउ अ डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर यूज, दे गिव द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड मर्क्यूरी इज नॉट यूज इन दैम। आजकल बहुत सारे टेक्निकल आ गए हैं, जैसे नाउ डेज अ डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर डिजिटल हो गए हैं, एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देते हैं बॉडी का और उनमें मर्क्यूरी भी फील नहीं होती है। ये अलग अलग के टाइप हैं थर्मोमीटर के, जो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब वगैरह में काम आते हैं वो थर्मोमीटर। टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स We use different thermometers. One commonly used thermometer is laboratory thermometer. The temperature of its range from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. इसको, इसकी जो रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास टू हैविंग बल्ब एट वन एंड फिल्ड विथ मर्करी। इट डज नॉट हैव अ किंक। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इस तरह का होता है, इसमें किंक नहीं होती है, मर्क्यूरी फिल होती है और इसकी रेंज होती है 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये मेज़र कर सकता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के क्या क्या यूज़ होते हैं? वाइल रीडिंग टेम्परेचर ऑफ अ हॉट और कॉल्ड बॉडी इट शुड बी कैप्ट अपराइट। द बल्ब शुड बी डिप्ड प्रॉपरली इन द बॉडी वाइल रीडिंग द टेम्परेचर।
You must record the temperature immediately because as soon as the thermometer is pulled out, the mercury level starts falling. क्या होता है इसमें किंक नहीं होती है. किंक क्या होती है? मर्करी को नीचे की तरफ फॉल होने से बचाती है. तो इसमें क्या होगा, आपको इमीडिएटली टेम्परेचर को नोट करना होगा, जिसको हम रीडिंग बोलते हैं. रीडिंग को तुरंत नोट करना होगा. और क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता लग सके और मर्करी नीचे की तरफ फ्लो ना हो. क्योंकि अगर नीचे की तरफ फ्लो होगी तो टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएंगे. नेक्स्ट थर्मोमीटर है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू रिकॉर्ड एट द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. एटमोस्फियर का टेम्परेचर नोट करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. इट गिव्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑफ वेरियस सिटीज इन वेदर रिपोर्ट्स. कई सिटी में टेम्परेचर कम होता है और कुछ सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. तो इस तरह टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो ऐसे टेम्परेचर को नोट करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. तो आज की क्लास यहीं तक. नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.